मध्य प्रदेश के विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी सरकारी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल इंटर्न FMG डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक ज्ञापन देते हुए बताया कि हम अपनी एक चिंता की और आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। FMG जो इंटर्नशिप CRMI कर रहे हैं उन्हें स्टाइपेंड प्रदान किया जाना आवश्यक है। भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट इंटर्न के बराबर स्टाइपेंड और अन्य सुविधाएँ मिल रही हैं लेकिन अभी तक हमें नहीं मिल रही हैं, जबकि भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट्स को स्टाइपेंड और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। हालांकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने परिपत्र जारी किया है और DHS ने आदेश जारी किए हैं। क्या नाम है, कहाँ है, कहाँ से आप? मेरा नाम डॉक्टर सौरभ रघुवंशी है। मैं यहाँ विदिशा में अटल बिहारी मेडिकल वाजपेयी में विदेश से पढ़कर छात्र आया हूँ। गवर्नमेंट ने हम लोगों को यहाँ पे अलॉट किया है। हम लोग पिछले 6 महीने से यहाँ पे ड्यूटीज़ कर रहे हैं अपनी, और पिछले 6 महीने में हमें 1 रुपये की तनख्वाह नहीं दी गई है, जबकि प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों के नियम है कि हर बच्चे जो भी विदेश से करके आया है उसको भी इक्वली उतना पैसा दिया जाए जितना यहाँ के बच्चों को दिया जाता है। बट यहाँ पे हमें 1 रुपये नहीं दिया जा रहा है। प्रदेश में, एक ही प्रदेश में अलग अलग दो तरीके के नियम चलाए जा रहे हैं। भोपाल वाले कॉलेज में बच्चों को पैसा दिया जा रहा है बट विदिशा वाले में नहीं दिया जा रहा है। हम लोग 2 बारी मंत्री जी के पास भी गए, विश्वास सारंग जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी हमको बोला कि आपको मिलेगा, और हम लोग DME वो फाइल भेज देते हैं। DME जब जाते हैं तो वहाँ का जो कमिश्नर है वो हम लोगों को बार बार ये बात टाल कर कि भाई कर देंगे ऐसे छोड़ देता है। भारत में हर प्रदेश में हर बच्चे को जो बाहर से पढ़ के आए उनको स्टाइपेंड दी जा रही है, बट मध्य प्रदेश में एक कॉलेज में तो दी जा रही है बट हम लोगों को नहीं दी जा रही है। विदिशा मेडिकल कॉलेज में कितने विद्यार्थी हैं जो बाहर से आए? 8 बच्चे हैं जो बाहर से आए हुए हैं। 60 अभी CM साहब से आप मिले थे, क्या बात रखी? उन्होंने, हम लोगों ने यही बात रखी थी कि आपके जो प्रदेश से हम लोगों को जो लेटर दिया गया है जिसमें विदिशा मतलब प्रदेश के सारे कॉलेज में नाम जिसमें मेंशन करे गए हैं जिसमें विदिशा का नाम भी है, जिसमें बोला गया है कि हर बच्चे को स्टाइपेंड दी जाएगी, इसके बाद में हम लोग को नहीं दी जा रही है। तो शिवराज सिंह जी जो हमारे CM हैं उन्होंने बोला है कि आपको दिया जाएगा पैसा, मैं बात करता हूँ। किस ईयर के विद्यार्थी हैं आप अभी लोग? हम लोग विद्यार्थी नहीं, हम लोग डॉक्टर हैं। कितना टाइम, हम लोग को 6 महीने हो चुके हैं यहाँ पे स्टार्ट जॉब करते हुए। 6 महीने हो गए, और NMC ने ना ये रूल निकाला था कि सभी को मिलना चाहिए, और NMC ने ये लेटर दिया भी है, हमारे पास प्रूफ है। प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकार इस पे कुछ वो नहीं कर रही है, ये हमारा केंद्र से ऑर्डर आया हुआ है जो नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। पिछले 5 दिन पहले ही हमारे पास एक और लेटर आया था जिसमें आपकी जो कार्रवाई है जिसको पॉजिटिव वे में लिया जाए, जो प्रदेश की सरकार है उनको भेजा था उन्होंने, बट उस पर भी इन लोगों ने अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं करा है। तो हमारे, अरे पीछे बताओ, आगे जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्वी शर्मा है, एंड मैं यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी में इंटर्न हूँ यहाँ पे, एंड हम लोग 70 बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं 6 महीने से, और हम लोग जो IMG यहाँ के बच्चे हैं उनके जितना बराबर काम करते हैं उनसे ज़्यादा ड्यूटी हमारी बल्कि लगाई जाती है, लेकिन हम लोगों को 6 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिला है, जबकि हमें कोर्ट से ऑर्डर है, और हमारे सीनियर्स पिछले 2 साल से सरकार दे रही थी पर इस बार उन्होंने मना कर दिया है पैसे देने से, सिर्फ विदिशा कॉलेज में नहीं मिला है बाकी जगह मिल रहा है। अभी आप CM साहब के पास आए थे, क्या मांग रखी है, क्या बोला? हाँ, यही मांग है कि सीखो कमाओ योजना में दे रहे हैं, लाडली बहना को दे रहे हैं, तो फिर पढ़े लिखे डॉक्टर्स को तो उनका मिलना चाहिए ना, जो इतने मेहनत से पढ़ाई करी है उन्होंने और वो जनता की सेवा में लगे हैं दिन रात, तो उनको भी मिलना चाहिए जो उनका हक है, अधिकार है। और हमारे पास NMC के कोर्ट से ऑर्डर भी है जिसमें उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बच्चों को बराबर मिलना चाहिए, जो IMG FMG उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करना है।